तो आप सभी का स्वागत है अपने चैनल लव यू आर्मी पर। आज हम बात करने वाले इंडियन नेवी एमआर अग्निवीर ऑनलाइन फॉरम 2022 के अप्लाई होने स्टार्ट हो गए हैं। पूरा फॉरम कैसे फिलिप करना है, कैसे इसका रजिस्ट्रेशन करना है, पूरा प्रोसेस इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो के अंत तक बने रहे। अगर आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को एक लाइक कर देना ताकि थोड़ा मोटिवेशन मुझे भी मिल सके। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑफिशियल साइट पे आ जाएंगे। जैसे ही इस पर आएंगे तो आप जो थ्री लाइन होती है उस पर क्लिक करेंगे, उस पर आपको दिखाई देगा रजिस्ट्रेशन एंड कैंडिडेट लॉगिन। अगर आपने न्यू रजिस्ट्रेशन है तो रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, अगर आपने पहले किया है तो लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। तो चलो इसका रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी रजिस्ट्रेशन विद आधार वैलिड आईडी अगर आपके पास है तो इस पर करके कर लेने, नहीं तो आप यूडीआई के ऑफिशियल साइट पर जाकर आपकी आधार आईडी निकाल सकते हो। अगर आप विदाउट आधार आईडी से करते हो तो इस पर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास काफ़ी आईडी के ऑप्शन आ जाएंगे। जो भी इनमें से आपकी आईडी है आप उस आईडी को चॉइस कर उसके नंबर, जैसे ही इसमें आईडी को चॉइस करते हो तो इसमें जो आपको आईडी नंबर नंबर भरकर कैप्चर को फ्लिप कर सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पर पर्सनल डिटेल पूछी जाती है। जो भी आपका फर्स्ट नेम होता है उसमें आपको फर्स्ट नेम भरना होता है, उसके बाद जो मिडिल नेम है वो मिडिल नेम, और जो लास्ट नेम है आपका वो लास्ट नेम। उसके बाद आपको आपका मोबाइल नंबर देना होता है, उसके बाद आप फादर नेम और मदर नेम में से किसी का भी नाम दे सकते हो, उसके बाद आप गार्जियन नेम, ये ऑप्शनल है, आप अगर देना चाहो दे सकते हो, नहीं तो रहने दो। उसके बाद आपको पैन कार्ड है, अगर आप देना चाहो दे सकते हो, नहीं देना चाहो रहने दो। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ भरनी है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो भर देना। फ़ोन में अगर डेट ऑफ बर्थ या कार्ड ओपन नहीं हो रहा है तो आप मैनुअली भी भर सकते हो, जैसे मैं आपको भरकर दिखा रहा हूँ। जैसे ही आप इसमें भर लेते हो उसके बाद नेशनलिटी पूछी गई है, जो भी आपकी जैसे आप मेरी अपनी नेशनलिटी इंडियन है तो ऑब्वियसली इंडियन ही भरेंगे। उसके बाद आपके पास जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट भर दे। उसके बाद जेंडर पूछा गया है, मैं मैरिड हो तो मैरिड, अनमैरिड अनमैरिड। उसके बाद आपको आइडेंटिफाई मार्क देने हैं, दो आइडेंटिफाई मार्क देने हैं, एक तो देना ही देना कन्फर्म है, अगर दूसरा देना चाहो तो दे सकते हो। उसके बाद इनमें से आपको कोई भी एक आधार आईडी में से एक को चॉइस करना होगा, चाहे आधार हो, वोटर आईडी हो, या जो भी आप इनमें से कोई सी भी एक आईडी को आपको यस करना होगा, बाकी आप सभी में से नो कर सकते हो, लेकिन इसमें एक तो आपको चॉइस करनी ही होगी। तो इसमें से जैसे ही आप चॉइस कर लेते हो फिर इसके एजुकेशन वाले ऑप्शन पर आ जाते हैं। जो आपकी हाईएस्ट एजुकेशन है वो आपको यहाँ पर फ्लिप कर देनी है। जैसे आपने टेंथ किया है तो टेंथ कर देना, प्लस टू किया प्लस टू कर देना, आपने ग्रेजुएशन कर रखी है जिससे बीएससी बीकॉम कुछ भी कर रखा है, बीटेक कुछ भी है, आप उसको चॉइस कर सकते हो। जैसे इसको कर लेते हैं उसके बाद एडिशनल एजुकेशन आ जाती है, इसमें जिसमें आपने बीएससी कर रखी हो, जैसे मैथ से फिजिक्स से किससे कर रखी है, जो भी है वगैरह वगैरह, आप इसमें भर सकते हो। जैसे इसको फॉर्म को कर देते हैं, नीचे की स्लाइड करते हैं, उसके बाद आपके पास एडिशनल भरने के बाद ये फॉर्म खुल जाता है। उसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से हो तो ये भर देना, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ले रखी है तो जो भी है उसको भर देना। उसके बाद आपको पूछी जाती है मेल आईडी और पासवर्ड। जो आपकी मेल आईडी है वो आपको मेल आईडी फिलिप कर देनी है और आपको पासवर्ड बनाना है। ध्यान रखें पासवर्ड में आपके 6 से 20 अंकों के बीच में पासवर्ड होना चाहिए, उसमें एक कैप्चर नंबर सॉरी जो बड़ा अक्षर होता है बड़ा अक्षर भरना है, इसमें एक स्मॉलेस्ट नंबर भरना है, छोटा अक्षर भरना है, उसके बाद एक नंबर भी होना चाहिए और एक स्पेशल करेक्टर भी होना चाहिए, जैसे डॉलर हुआ, एट द रेट हुआ, स्टार हुआ, जो भी है उसको कन्फर्म कर सेव कैप्चर को कैप्चर कर एग्री वाले टिक पर ऑप्शन कर पर सेव पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक कर देते हो तो आपका अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो जाता है, फिर इस पर लॉगिन वाले ऑप्शन पर सीधे आ जाते हो। तो इसमें आपको सबसे पहले अपना स्टेट चॉइस करना है, जो आपका स्टेट है उसको भरकर कैप्चर और क्लिप कर सेव पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपको जो मेल आईडी और पासवर्ड डाला है उससे आपको लॉगिन कर लेना है और क्या लॉगिन वाले ऑप्शन पर प्रेस कर देंगे। जैसे ही आप इस पर प्रेस कर लेते हो तो हमारे पास आपकी एजुकेशन का आ जाता है, तो हाईएस्ट एजुकेशन जो भी की रखी है आपने वो भर देना है। उसके बाद आपको जो टेंथ की मार्कशीट थी या सॉरी ट्वेल्थ की मार्कशीट या डिप्लोमा हाईएस्ट का रखा है तो डिप्लोमा की वो पीडीएफ बनाकर इसमें अपलोड करनी है। याद रखें पीडीएफ 1 MB के
नीचे का होना चाहिए। उसके बाद आपने 12th किससे की है, अगर मार्क्स की है तो मार्क्स से, अगर CGPA कर रखी है तो CGPA कर कर आपको 12th की जो आपको नंबर की है वो दे भरनी है। अगर आपने मार्क्स किए है तो मैनुअली आपको नंबर भरने, कितने का पेपर था, मतलब 100 नंबर का पेपर होता है तो आपने कितने नंबर लिए उसमें वो भरने हैं। उसी प्रकार हिंदी में जितने, अगर आपके 100 नंबर का पेपर है, मान लो आपके 97 98 है जो भी आपके नंबर है, उसी प्रकार बायो भाई केमिस्ट्री सब में भर लेंगे। अगर आपको कोई इनमें से सब्जेक्ट नहीं मिलता है तो नीचे ऑप्शन आता है प्लीज़ सेलेक्ट सब्जेक्ट, इस पर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपका सब्जेक्ट का नाम भर देंगे और इसी प्रकार नंबर और जितने आपने नंबर लिए वो भर देंगे। तो सभी को आप इनको भर देना। इसमें से पहली बात तो हर एक सब्जेक्ट मिल जाता है, फिर भी नहीं मिलता है तो आप इसमें कर लेना। उसके बाद आपको आपके रोल नंबर भरने हैं, उसके बाद आपने किस स्टेट से कर रखी है ये, वो स्टेट का नाम भरना है। उसके बाद आपको बोर्ड का नाम भरना है, अगर बोर्ड का नाम मिल जाता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो आप अदर बोर्ड भी कर सकते हो। सबसे पहले हो सकता है आपका 99% मिल ही जाएगा। और उसके बाद आपको 10th के नंबर भरने हैं, जैसे इसी प्रकार, जैसे प्रकार 12th की थी इसी प्रकार 10th की करनी है। पहले टोटल मार्क भरने हैं, कितने नंबर का पेपर था, कितने उसमें कितने आपने प्राप्त किए हैं, उसके बाद आपके किसी स्टेट से की हुई है, और जो मार्कशीट के ऊपर होते हैं वो नंबर भरने हैं। अप्रो आपको PDF भी अपलोड करना है, PDF में याद रखिए 1 MB से कम का होना चाहिए। पासिंग सर्टिफिकेट अगर नहीं है तो आपके पास जो आपकी मार्कशीट है उसको अपलोड कर दें, कैप्चर कॉपी करके सेव पर क्लिक कर दें। उसके बाद आपको एड्रेस पूछा गया है, आपके एड्रेस 1 में तो जो आपका गांव का नाम है, सिटी का नाम है, जो भी आप भरना चाहें। सेकंड एड्रेस में आपके डिस्ट्रिक्ट दे सकते हो, तहसील दे सकते हो, पोस्ट ऑफिस दे सकते हो। उसके बाद आपको स्टेट पूछा गया है, जिस स्टेट से आप आते हो उस स्टेट को, ये जैसे प्लीज सेलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके स्टेट आ जाएंगे, जो भी आपका स्टेट है उस स्टेट को फिलिप कर देंगे। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट है, जो डिस्ट्रिक्ट था वो डिस्ट्रिक्ट भर देंगे, पिन कोड नंबर दे देंगे। अगर आपका परमानेंट एड्रेस एड्रेस और जो वर्तमान एड्रेस दोनों सेम है तो टिक वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपको फ़ोटो सेलेक्ट करनी है और सिग्नेचर करने हैं। याद रखें फोटो और सिग्नेचर 100 KB से कम की होने चाहिए। उसके बाद आपको जो अपना मूल निवास है उसका PDF अपलोड करना है, जो 1 MB से कम का होना चाहिए, और सेव वाले ऑप्शन सॉरी कैप्चर को भरकर सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे और हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएंगे। जैसे ही आप सब ये कर देते हो तो हमारे पास ये आ जाता है, योर कम प्रोफाइल यूज बिन अपलोड सक्सेसफुली, ये अपलोड सक्सेसफुली हो जाएगा। जैसे ही आपकी अपलोड सक्सेसफुल हो जाए तो आपको करंट अपॉर्चुनिटी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। जैसे इस पर आप क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पर अग्निवीर ऑप्शन पर आ जाएगा, जिसमें सबसे पहले ही आपको मिल जाएगा अग्निवीर एमआर, जिस पर आपको टिक वाले ऑप्शन पर क्लिक कर आ जाएंगे। इसके बाद आपको डिक्लेयर का ऑप्शन पर क्लिक करना है, डिक्लेयर कर देना है और नीचे आ जाएंगे अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो तो हमारे पास ये आ जाता है। उसके बाद आपको कैंडिडेट का नाम भरना है, जो भी आपकी 10th की मार्कशीट में है वो आप अपना नाम फिलिप कर देना। उसके बाद आपके फादर नेम वगैरह नेम जो आपको रजिस्ट्रेशन में किए थे वो सब कुछ आ जाएंगे, डिक्लेयर आई ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अगर आधार कार्ड दिया था आपने, यस किया था, तो आपके लिए लास्ट के 4 डिजिट आधार नंबर भर देंगे। बाकी सब आपने नो किए थे तो नो ही रहेंगे, फिर सेव और नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपके आपकी जो आपने क्वालिफिकेशन भर रखी थी हाईएस्ट वो आ जाएगी। उसके बाद आपको आपके 3 सब्जेक्ट चॉइस करने हैं, याद रखें इनके हिसाब से आपकी मेरिट लिस्ट आएगी। तो इसी प्रकार आप जो भी बढ़िया 3 नंबर सेलेक्ट कर 7 नेक्स्ट पर नीचे आ जाएंगे, 7 नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप 7 नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं तो इसके बाद आपको मिलिट्री रिकॉर्ड पूछा जाता है, जो भी इसमें आप आते हो NCC वगैरह जो भी आपकी, उसको यस कर आपको मैनुअली भर देना है, अगर नहीं है तो नो कर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। फिर आ जाता है आपका एड्रेस वाला ऑप्शन, जो भी आपका एड्रेस था जो हमने रजिस्ट्रेशन करते समय भर दिया था उसको ही आ जाएगा, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे और आगे आ जाएंगे। इनमें से आप जो भी भरना चाहो उसमें आप सेलेक्ट कर अगर आपको स्विंग आती है यस या नो कर सेव एंड नेक्स्ट पर
क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। हमें रजिस्ट्रेशन करते समय आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए थे तो यहाँ पर सब पट्टी का आ जाएगा। अगर आपने किसी चीज़ का नहीं किया था तो उसको अपलोड करना पड़ेगा, और अपलोड कर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। दोस्तों इसको थोड़े नीचे की ओर स्लाइड करते हैं। फिर उसके बाद आपको अपनी चॉइस देना है, अगर कुकिंग को फर्स्ट देना चाहो तो आप इसको फर्स्ट दे सकते हो, उसके बाद इसको सेकंड देना चाहो सेकंड दे सकते हो, थर्ड देना चाहो देन दे सकते हो, उसको सेकंड दे देना, जो भी आपको प्राइवेसी लगे। आप जो भी आप फर्स्ट जिसको आप फर्स्ट देना चाहो उसको फर्स्ट दे दो, सेकंड देना। अगर आपको ये ऑप्शन नहीं आ रहा है तो फ़ोन में तो थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे और डेस्कटॉप साइज कर लेंगे तो आपको ऑप्शन दिखाई देंगे, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप इसके पर आ जाएंगे तो पर्सनल डिटेल एक बार इसका प्रीव्यू अच्छे से कर लेना, ध्यान रखना हर एक चीज़ को एक बार खोल खोल कर चेक कर लेना, फिर आपके सबमिट अप्लाई पर क्लिक कर देना। याद रहे एक बार सबमिट वाले ऑप्शन पर यस कर देंगे तो इसके बाद आप एप्लीकेशन में कोई भी एडिटिंग नहीं कर पाएंगे। तो अपने फॉर्म को एक बार अच्छे से प्रीव्यू कर लें और फिर सेव यस पर क्लिक करें। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल पर देखिए हमारे ये फॉर्म अप्लाई हो चुका है, हमारे पास डाउनलोड PDF का आ गया है। अगर आप इसको डाउनलोड करके रखना चाहो तो रख सकते हो, यहाँ पर लिखला भी आ गया है कि आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुली हो चुका है। तो दोस्तों आज हमने बात की इंडियन नेवी MR अग्निवीर के फॉर्म के बारे में, कैसे अप्लाई करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद जय भारत।